अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? इन आवर टुडेज लेक्चर ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसी तरह से जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको डिस्कस करेंगे। एज ऑल ऑफ अस नो दैट द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फर्म। समटाइम्स लोअरिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस सेल्स सफिशिएंटली टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। At other times, lowering the commodity price reduces the firm's total revenue. By affecting sales, the pricing policies of the firm also affects its production costs and thus its profitability. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डिमांड में चेंज आती है या जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है क्वांटिटी डिमांड का ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है हमारे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब प्राइस को कम किया जाता है तो जो सेल होती है किसी भी कंपनी की कमोडिटी की वो सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन एट सम अदर टाइम्स वही जो प्राइस लोअरिंग की एक पॉलिसी होती है वो हमें जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स होती है वो नहीं दे सकती, इस वजह से कि आप कह रहे हैं कि जो फर्म का टोटल रेवेन्यू होता है बाय लोअरिंग प्राइस वो बढ़ने की बजाय वो गिरना शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपके सेल्स रेवेन्यू होते हैं किसी भी फर्म के या किसी भी कंपनी के, वो उसकी जो प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं उससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुतासर होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही इस बात की डिटर्मिनेशन करती है कि हमारी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड जो है ना वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। अगर तो हमारी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट हो रही है विद द चेंज इन प्राइस, या दूसरे लफ्जों में लोअर चेंजेस और इवन माइनर चेंजेस इन प्राइस, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंज हो जाती है उस प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी कमोडिटी है वो मोर इलास्टिक है। और अगर आपकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के बावजूद भी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती, तो वी कैन से दैट कि हमारी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस होती है, या दूसरे लफ्जों में हमारी जो कमोडिटी होती है वो लेस इलास्टिक डिमांड की जो है ना वो हामिल होती है। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है ना वो डेफिनेशन देखना चाहें और इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखना चाहें, तो इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड टू वन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स। ब्रॉडली जो इलास्टिसिटी होती है ये किसी भी डिमांड के या सप्लाई के जो फैक्टर होते हैं या कोई एक एलिमेंट होता है उसमें चेंज होने की वजह से जो चेंज आती है सप्लाई और डिमांड के अंदर उसको कहा जाता है। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इसका मतलब ये होगा या इसका माना ये बनता है कि जब भी किसी शय की कीमत तब्दील होती है तो उस कीमत चेंज होने की वजह से जो डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस होता है उसको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दिया जाता है। एज आई हैव सेड अर्लियर के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द सेकंड वन इज आर्क प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब हम बात करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस कुड बी मेजर्ड बाय द इनवर्स ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, दैट इज बाय डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। The disadvantage is that the inverse of the slope is expressed in terms of the units of measurement. Thus, simply changing prices from dollar to cents would change the value of this fraction 100 folds.
Furthermore, comparison of changes in quantity to changes in price across commodities would be meaningless. In order to avoid these disadvantages, we use instead the price elasticity of demand. The price elasticity of demand is given by the percentage change in quantity demanded of the commodity divided by the percentage change in its price, holding constant all other variables in the demand function. Yani hamara jo responsiveness hota hai quantity demand ka with the change in price, with respect to change in price jo hai, usko hum inverse of the slope of dq over dp ke hisab se jo hai na wo maiyar agar karte hain, to usme jo sabse bada disadvantage hota hai wo ye hota hai ki jab hum isko express karte hain units form ke andar jo hai, to even jo minor changes hoti hain wo bahut zyada hamari is fraction ke andar jo hai na wo changes leke aati hain. तो इसलिए आप कह लें कि जो हमारी चेंजेस होती हैं क्रॉस द कमोडिटीज जो है वो फिर मीनिंगलेस हो जाती है, या दूसरे लफ्जों में आप यूँ कह सकते हो कि जो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हम इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्जर्व इवन द माइनर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. यानी जब आपकी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है, यानी माइनर चेंजेस इन प्राइस, और उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में माइनर चेंजेस आ रही होती हैं उसको मेजर करने के लिए वो यूज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली वो आपका जो है ना वो होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइसेस. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोपोर्शनल चेंज, तो प्रोपोर्शनल चेंज जब हम डिमांड की बात करते हैं तो दैट वुड बी डेल्टा क्यू ओवर क्यू, और जब हम जो है वो प्रोपोर्शनल चेंज प्राइस की बात करते हैं तो दैट वुड बी डेल्टा पी ओवर पी. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आप इसको रीअरेंज करते हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो दिस वुड बी आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई पी ओवर क्यू. Where delta Q and delta P refers respectively to the change in quantity and the change in price. यानी एक तरफ हमारे पास जो change है उसकी जो है ना वो उसका proportion आ जाता है, उसकी fraction आ जाती है, और फिर साथ ही हमारे पास जो है ना original price और जो quantity है उसकी value आ जाती है. तो जब हम इसको multiply करते हैं तो हमारे पास जो result आता है उसको point elasticity of demand का जो है ना वो नाम दिया जाता है. अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यूज आपके पास मौजूद हों कि अगर आपके पास जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो -100 हो, डेल्टा पी आपके पास $1 है, ओरिजिनल प्राइस आपकी $5 है, ओरिजिनल क्यू 100 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -5 वुड बी योर रिजल्ट जो कि हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो होगी. अब साफ जाहिर है कि हमारी जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू यूनिटी हो सकती है, ग्रेटर देन यूनिटी हो सकती है, या लेस देन यूनिटी जो है ना वो हो सकती है. तो अगर तो इस फार्मूले के जरिए से हम सॉल्व करते हैं हमारे जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, अगर उसका आंसर 1 आ जाता है तो आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी इक्वल टू यूनिटी, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो दैट वुड बी ग्रेटर देन यूनिटी, और अगर लेस देन 1 आ जाता है तो आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन यूनिटी. लुक एट दिस स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है जिसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है ना वो मेजर कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि पॉइंट सी के ऊपर, दिस इज पॉइंट सी, इस पॉइंट सी के ऊपर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें उसका फार्मूला है माइनस, उसकी जो वैल्यू बनती है -1 मल्टीप्लाइड बाय 4/2. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आवर रिजल्ट वुड बी इक्वल टू -2, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा. तो साफ जाहिर है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इस पॉइंट सी के ऊपर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन यूनिटी होगी. अगर हम पॉइंट एफ पे इसको कैलकुलेट करना चाहें तो पॉइंट एफ पे इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास जो है वो दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 3/3. तो जब हम इसको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1. नेगेटिव का साइन उसके साथ आएगा जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को इंडिकेट करेगा. यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव 2 कैसे 1 से इक्वल हो गया. ये जो नेगेटिव का साइन है इट इज जस्ट एन इंडिकेटर, ये हमें सिर्फ ये बताता है
के जो डिमांड और प्राइस है उसके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. वाइल कंपेयरिंग इट विद यूनिटी और वन, वी विल इग्नोर दिस साइन, हम इस साइन को इग्नोर कर देंगे. तो एट पॉइंट एफ जो है वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी होगी. पॉइंट जी पे जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास 1/2 यानी 0.5 आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है ये 2 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है. देयर फोर एट पॉइंट जी आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी. सो लुक एट दिस, एट द मिडल पॉइंट ऑफ आवर डिमांड कर्व आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी. एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो जाएं, इधर अपवर्ड प्राइसेस की तरफ जाएं, तो आप कह लो जैसे जैसे आप फर्दर मूव करते चले जाओगे वैसे वैसे जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन वन यानी मोर इलास्टिक डिमांड जो है ना वो आपकी होती चली जाएगी. और जैसे जैसे आप जो है ना वो राइट साइड पे आओगे वैसे वैसे आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन यूनिटी जो है ना वो होती चली जाएगी. सो नेक्स्ट वी हैव आर्क प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हम आर्क प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये फार्मूला आरजीडी एलन का जो है ना वो बयान करता है, जबकि जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है वो प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल जो है उन्होंने बयान किया था. तो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर सिंपल सी बात होती है कि हमारे पास दो मेजर पॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान जो है ना वो काफी डिफरेंस होता है. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन दोज टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व, देन दैट वुड बी द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर की जाती है तो उसके लिए हम करते क्या है कि हम प्रोपोर्शन लेते होते हैं एवरेज ऑफ प्राइसेस एंड एवरेज ऑफ डिमांड. यानी इनिशियल हमारे पास जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उसके लिए हम सिंपल क्या करते होते हैं कि हम एवरेज लेके हम जो प्रोपोर्शन जो होते हैं यानी प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइसेस उसके जरिए से सॉल्व करते हैं. लेकिन जब हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं लेते बल्कि एवरेज ऑफ टू प्राइसेस एंड एवरेज ऑफ टू कमोडिटीज जो है ना वो ले रहे होते हैं, टू क्वांटिटीज जो है ना वो हम ले रहे होते हैं. तो इस सिलसिले में साफ जाहिर है कि हमारा जो फार्मूला बनेगा फिर आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो बनेगा ED इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 माइनस P1 ओवर Q2 प्लस Q1, जहाँ पे हमारे पास Q2 जो है वो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है, Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, P2 जो है वो आपके पास चेंज या न्यू प्राइस है, और जो P1 है ये आपके पास ओरिजिनल जो है ना वो प्राइस होगी. तो इस तरह जब आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जब आपको वैल्यूज दी गई होंगी आप इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं Q2 Q1 और इसी तरह से P2 और P1 इनके वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो उसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके पास आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है ना वो रिजल्ट आएगा. सो दिस इज एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इन विच वी ब्रीफली डिस्क्राइब about the point elasticity of demand and arc elasticity of demand. And in our next lecture, in tomorrow's lecture, we will discuss the income elasticity of demand, and then afterward, we will analyze the regression analysis and econometric analysis of demand theory. तो उसके बाद हमारा ये demand का जो topic है वो almost complete हो जाएगा. अब ये दो जो points हैं ये आपने lower classes के अंदर भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इस लेक्चर में और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में इसको जरा मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो डिस्कस किया गया है. तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर जो है ना वो इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी. और कोशिश किया करें कि अपने पास दस्ता और पेंसिल रखा करें जहाँ पे आप जो है ना ये लेक्चर जो है ना वो नोट कर जो है ना वो कर सकें बाद में इसको जो है ना वो देख लिया करें. ठीक है जी, दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लें, बेशक पर्सनली बाद में जो है ना वो लेक्चर एक दफ़ा पढ़ने के बाद जो है ना वो पूछ लें तो इसको लाजमी तौर पर जो है ना वो क्लियर करें. सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह.